कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज लोहा बाजार में टीएमडी सरिया के बारे में, देखेंगे क्या रेट बाजारों में आज टीएमडी सरिया का देखा जा रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज टीएमडी सरिया में चल रहा है, कुछ ब्रांडेड कंपनी के आज की कीमतों के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो टीएमटी सरिया के बाजार में आपको बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है और आज सुबह बाजार खुलने के साथ इंगट में काफी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हुआ और इंगट का लेवल 50,000 के पार देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए टीएमटी सरिया में भी बढ़त आई है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो भारतम कंपनी का रेट 55,600 रुपए है, कामधेनु कंपनी कीमतें 63,101 रुपए देखा जा रहा है, केडू कंपनी का रेट 62,231 है, ज्योति कंपनी में 62,812 रुपए पर कारोबार बाजारों में चल रहा है, फॉर्च्यून कंपनी का रेट 63,899 रुपए देखा जा रहा है, प्रबल कंपनी में 61,201 रुपए पर आप बाजारों में कामकाज देखकर चल सकते हैं, दुआबा कंपनी का रेट 67,200 रुपए है, दीपक कंपनी कीमतें 55,300 रुपए चल रही है, जवाहर कंपनी का रेट 59,700 रुपए मार्केट में देखा जा रहा है। इसके अलावा शेयर पंजाब कंपनी कीमतें 62,111 है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 111 है और अम्बा कंपनी का रेट 59,800 रुपए आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इंगट के बारे में बात करते हैं तो 50,200 रुपए का लेवल चल रहा है इंगट में, जिसमें 200 रुपए तक की बढ़त भी दर्ज करी गई है और एमएस स्प्रे की कीमतों में भी तेजी आने के बाद 39,200 रुपए का लेवल आप एमएस स्प्रे में बाजारों में देखकर चल सकते हैं। तो आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही अच्छी खासी रिकवरी देखी गई और जैसा कि हमने आपको कल के दिन भी बताया था कि बहुत ज्यादा आपको गिरावट बाजारों में देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 से लेकर 200 रुपए तक की गिरावट बाजारों में आ सकती है। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं और अगर आपको बाजारों में कहीं निचले लेवल मिलते हैं, हल्की फुल्की आपको गिरावट मिलती है, तो आप उस जगह से गिरावट पर अपनी जरूरत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से खरीदारी करते हुए जरूर चलिए। मार्केट का आउटलुक फिलहाल के लिए स्टेबल है और ऊपरी स्तरों पर आप अपना प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।